केवल इस जीवन में भैया कलयुग केवल नाम आधारा। इस कलि काल में अगर कहीं अपने उद्धार का मार्ग ढूंढना है, खोजना है, तो एक रास्ता है, वो है प्रभु का नाम। प्रभु के नाम के अलावा दूसरा कछु भी साथ में जाने वाला जाएगा क्या? कहिए, जाएगा? अच्छा, हम और आप सोचते हैं कि अगर हमने अभी तक तो भजन नहीं शुरू किया, अब अगर माला झोली लेकर निकले हम तो चार लोग क्या कहेंगे? चिंता होगी ना? अरे बोलिए, चार लोग की चिंता होगी कि नहीं होगी? वो चार लोग कहेंगे कि तुम ना भैया बहुत बड़े मूर्ख आदमी निकले, हमने तो कभी तुम्हारे बारे में सोचा ही नहीं, क्योंकि हमको अपनी टेंशन से फुर्सत नहीं थी और तुमने हमारी सोच सोच के अपनी जिंदगी बेकार कर ली। चार लोग क्या कहेंगे, चार लोग क्या कहेंगे? सबसे बड़ा रोग की क्या कहेंगे लोग? आपको एक बात कहूं, अच्छा क्या कहेंगे? मान लीजिए आज तो प्रथम दिवस है, पर इस 9 दिन के समय में मेरी यही प्रार्थना जो शेष 8 दिन बचे हैं उसमें यही होगी कि अगर हमें भगवान ने सनातन में जन्म लेने का सौभाग्य दिया है तो कम से कम उस गर्व को अपने साथ लेकर जिया जाए। कैसे जिया जाए? हर एक हम जितने भी सनातनी हैं, हमको प्रभु ने जो ये मनुष्य का जन्म दिया है तो कम से कम इतना तो किया जाए ना कि सुबह शाम में जब भी फुर्सत मिले तो 2 माला राम नाम की फेर ली जाए। इतना तो कर सकते हैं ना? कोई अन्य धर्म की अगर आप बात करो तो किसी को अपनी संस्कृति का नियम पालन करने में कोई आपत्ति है क्या? कहिए कहिए, किसी और को है आपत्ति, पर हमको है। क्यों? क्योंकि अब हमको शर्म ज्यादा आने लगी है, हमको इतनी शर्म आने लगी है। हम अगर मस्तक पे तिलक लगा लेंगे तब लोग क्या कहेंगे? भैया, लोगों के चक्कर में अपनी जिंदगी को गंवा देना ये कोई समझदारी की बात नहीं है। अंत समय में लोग क्या कहेंगे जानते हैं? आप सबको बहुत अच्छे से पता है, जोर से बोलियो। जब अंतिम यात्रा निकलती है, चार जने कंधे पे एक सवारी लेके निकलते हैं तो चार लोग क्या कहते हैं? राम नाम। जोर से कहिए, राम नाम। डराइए मत, घबराइए मत, यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। आज मानिए या ना मानिए, इसको चाहिए या ना चाहिए, पर हम सब की आखिरी यात्रा में एक दिन यही लाइन बोली जाने वाली है। जो अंत में बोली जाने वाली है उसको जीवन के रहते हुए समझ ले तो क्या ये समझदारी नहीं है? इस जीवन का सबसे बड़ा सत्य ही है प्रभु का नाम, इसके सिवा कुछ नहीं। वो जो चार कंधे पर अड़ती जा रही है उसका भी घर होगा, मकान होगा, फैमिली होगी, बाल बच्चे होंगे, बड़ा भरा पूरा परिवार होगा, कोई बहुत बड़ा अमीर होगा, कोई हो सकता है गरीब होगा, पर सबकी सवारी के पीछे नारा तो एक लगा, भगवान को मानने वाले के पीछे भी यही लगा, भगवान को न मानने वाले के पीछे भी यही नारा लगा कि राम नाम सत्य है। इससे बड़ा सत्य संसार में ना कोई था, ना कोई है और ना कोई होगा। अगर कोई सत्य है तो एक बात है कि सत हरि भजन जगत सब सपना। ये प्रभु का नाम है जो सत्य है। इस सत्य चीज को अपने जीवन में जोड़ने का प्रयास करिए। गोस्वामी जी कहते हैं, इस श्री राम कथा से क्या लाभ होगा? मन कर विषय अनल बान जरई, होई सुखी जो एहि सारे परई। गोस्वामी जी कहते हैं, मन करी विषय अनल बन जरई। आपने शायद कभी सुना हो, जंगल में जब कभी आग लगती है ना तो सारे जानवर जंगल से बाहर की ओर भागते हैं आग से बचने के लिए, पर जो हाथी होता है, हाथी, वो जंगल से बाहर नहीं भागता, वो जंगल के भीतर जो तालाब या सरोवर है उसके पास जाता है और जाकर सरोवर में बिल्कुल डूबकर बैठ जाता है
और हाथी तब विचार करता है कि अब मैं यहाँ आ गया, अब पूरा जंगल जलकर राख हो जाए, जब तक मैं इस तालाब के भीतर हूँ मेरा बाल भी बांका होने वाला नहीं है। मन करी विषय, हाथी देखा है, अभी मत कहियो कि बसंतपुर में कब हाथी नहीं आया। हाथी देखा है ना, सबने देखा है हाथी, जोर से कहिए, देखा है ना। मन को देखा है कभी? मन कभी देखा है? तो जिसको देखा नहीं भाई साहब, उसी की बात मानते मानते हमने जिंदगी गुजार दी। आज मन ने कहा कथा में आ जाइए तो बैठे हैं, अभी 5 मिनट बाद ये मन कह दे अब तो 10 बज गए, चलो अब क्या करेंगे, रुकेंगे कि चले जाएंगे? दिख नहीं रहा है। गोस्वामी जी ने कहा मन रूपी हाथी, भले दिख नहीं रहा है पर हो सकता है ये हाथी जितना ही बड़ा हो तभी अपनी मनमानी करा लेता है, छोटा तो नहीं होगा। ये कहाँ रहता है, कैसा है, किस रंग का है, किस रूप का है, इसकी साइज कितनी है, नाटा है, बौना है, छोटा है, मोटा है, काला है, गोरा है, कुछ नहीं पता है, इंडियन है, विदेशी है, कछु नहीं पता, पर भीतर बैठे बैठे ऐसी नाच नचा रहा है भैया, इसी के चक्कर में हम लोग नाच रहे हैं। गोस्वामी जी ने कहा जब भी आपका यह जो मन रूपी हाथी है, ये विषयों की अग्नि जब लगे और जब देखिए कि विषयों की आग लगी है, तो अपने मन रूपी हाथी को कथा रूपी सरोवर के भीतर लाकर बिठा दीजिए। चाहे कितनी भी बड़ी आग लगी हो पर इस मन रूपी हाथी का अब कोई बाल भी बांका होने वाला नहीं है। इस श्री राम कथा से लोग कहते क्या मिलता है, 3-4 घंटे आप लोग टाइम वेस्ट कर देते, इससे क्या मिलता है? क्या मिलता है ये हमको नहीं पता, ये आप बताएंगे, हमको जो मिला है वो हम जान सकते हैं, आपको क्या मिला ये तो आप बताएंगे, पर क्या नहीं मिलता है ये बात हम आपको जरूर बता सकते हैं। अब इतने लोग इस श्री राम कथा में बैठे हैं, इतनी देर में किसी की चुगली करी का आपने? करी क्या? कोई झूठ बोला इतनी देर में अभी बैठे बैठे? फालतू का किसी का घाटा करने का अपने स्वार्थ के पीछे अभी विचार आया क्या? लगभग 1.5-2 घंटे हो गए हैं, 2 घंटे के लिए ही सही इन बेकार की चीजों से आप बचे कि नहीं बचे? क्या मिला इसको तो छोड़ दीजिए, भगवान पे छोड़ दीजिए, क्या नहीं मिल रहा है इसको तो हिसाब किताब हम और आप लगा सकते हैं ना। ये जो नहीं मिल रहा है ना भैया, इसको छोड़ने के लिए भी लोग बड़े बड़े जतन करते हैं, और सहज ही छूट गया। कैसे? मैंने आपसे क्या कहा, आप स्वयं का प्रयास मत करिए हमको छोड़ना है, आप राम की शरण में आकर बैठेंगे, इनको क्या छुड़वाना है ये अपने आप डिसाइड कर लेंगे। जैसे एक बीमार व्यक्ति डॉक्टर साहब के पास जाकर अपनी बीमारी ही तो बताता है ना, बुखार है, जुकाम है, आपको नहीं छोड़ना है, डॉक्टर साहब छुड़वाते हैं, देखो आज के बाद तुम ये नहीं खाओगे, अगर तुम खाओगे तो तुम बीमार रह जाओगे, स्वस्थ नहीं होगे। अपनी जो भी व्यथा है, बीमारी है, लेकर यहाँ बैठ जाइए, क्या छुड़ाना है और क्या छूटने में हमारा कल्याण है, ये निर्णय इन जगत पिता पर छोड़ दीजिए, तभी जीवन का कल्याण होगा। मैं बार बार कहूँ, आप प्रथम दिवस में आए हैं तब भी कहूँ, आप 8 दिन और सुनेंगे तब भी मेरी यही बात है, इस जिंदगी में खूब काम करिए। काम करना बुरी बात नहीं है, पैसे जोड़ना बुरी बात नहीं है, स्वार्थ भी गलत नहीं है। क्यों? स्वार्थ अगर निज हित तक हो तब तो ठीक है, पर अगले का बुरा करके अपना कार्य सिद्ध किया जाए, यहां पर स्वार्थ गलत है। स्वार्थ भी बुरा नहीं है औरों को कष्ट ना होवे। स्वार्थ जैसे अब आप ऐसा समझिए, माता पिता के भी तो अपने जितने भी कर्म होते हैं वो क्या होता है, भैया कुछ भी करके मुझे अपने संतान को योग्य बनाना है, एक तरह की मंशा ये है कि नहीं है? पर और किसी के बच्चे का हानि कराकर हमको अपने लहिका को ऊपर उठाना है, यहाँ पर आपका ये जो स्वार्थ है ये अकल्याण करेगा। क्रोध बुरी चीज नहीं है, क्रोध में बोध का नष्ट हो जाना ये बुरी चीज है। क्रोध भी जरूरी है, क्रोध गलत नहीं है, अगर परिवार का मुखिया कभी कभी क्रोध नहीं करेगा तो बच्चे अनुशासित नहीं रहेंगे, कभी कभी क्रोध की भी आवश्यकता है, पर क्रोध में इतने अपरंपार ना चले जाइए, कई लोग तो गुस्से में हवा से लड़ाई करने लगते हैं उससे भी ज्यादा, क्यों? क्रोध में बोध ही नहीं है। एक भाई साहब स्कूटर पे बैठे जा रहे,
चलाने वाले दूसरे थे, ये पीछे बैठे हैं। अब एक बस इतने में ओवरटेक करके आगे निकल गई। अभी इतने क्रोधी स्वभाव के इन्होंने चलाने वाले से कहा, ठोक दो, ले जाके बसवा को ठोक दो। आप बताओ, ये स्कूटर से बस ठोकाएगा तो का ठोकाएगा? आप ही का तो खोपड़ी ठोकाएगी ना, कि वो बस का कोई बाल विवाह का होने वाला है। अब वो अगला चलाने वाला थोड़ा समझदार वो ना जाए तो ये कहे, तुम ठोकोगे कि हम तुमको ठोकें? ये क्या है? ये वो क्रोध है जिसने बोध को समाप्त कर दिया। अगर यहीं पर बोध हो जाए तो आदमी समझ सकता है कि इस क्रोध से मेरा कुछ भी लाभ होने वाला नहीं है। कहते हैं ईर्ष्या या क्रोध, ये एक तरह की आग होती है। आग, जैसे मान लीजिए आग लगे, इस रुमाल में आग लग जाए तो ये क्या होगा? थोड़ी देर बाद समाप्त होगा ना, देखते देखते इसमें हमें कुछ, आपको कुछ करना पड़ा, अपने आप जल गया। उसी प्रकार जब भीतर ईर्ष्या या क्रोध की अग्नि जलती है तो ये किसी और का घाटा नहीं करती, ये हमारा आपका घाटा करती है। ये वो अग्नि है जो स्वयं के भीतर ही जलती है और स्वयं को ही जलाती है। इसीलिए बोध के साथ समय पर ये चीज हो तो घाटा नहीं है। आगे वो स्वामी जी ने 700 पानों की जो चर्चा करी, प्रभु के नाम की वंदना की है। बंदौ नाम राम रघुवर को, प्रभु के नाम की वंदना, क्योंकि ये नाम ही तो है जो आज के समय में हमारा कल्याण कर रहा है। और कौन सा साधन है, माने या ना माने, हर प्रकार से भगवान ही हमारे जीवन का भार उठाए हुए हैं। नहीं मानने से ऐसा तो नहीं हो सकता। अगर भगवान हमारे ऊपर कृपा ना करें, हम कहते हम भगवान को नहीं मानते, और भगवान भी यही कर रहा, अच्छा ठीक है तुम हमको नहीं मानते तो आज से हम तुमको नहीं जानते, तो जितनी भी हवा पानी तुमको मिल रही है, भगवान कह ले तुमको ना मिलेगी, बाकी दुनिया को मिलेगी। अब बताइए, जिंदगी में 1 भी सेकंड का गुजारा है क्या? हम माने तो भी, हम न माने तो भी, हमारी जिंदगी का निर्वहन करने वाले सिर्फ और सिर्फ भगवान है। गोस्वामी जी कहते भैया नाम जपो। अब किसी ने कहा तो कैसे जपे, नाम जपने में भी तो आदमी को बड़ी मुसीबत आती है। दुनिया का नाम 1000 बार जप सकता है, भगवान का नाम 10 बार लेने में भी मुसीबत। राम राम कहने, कितना सरल नाम, सरल है कि नहीं है, कितना सरल नाम है ये राम राम कहने में भी हमें लगता है ये तो बहुत बड़ा पहाड़ हमारे खोपड़ी पे धर दिया गया, अब हमसे उठाया नहीं जाएगा। इससे सहज रास्ता आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। भाय को भाय अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल देशी दस हूँ। अगर जीवन का कल्याण चाहते हैं तो नाम जपिए। अब कैसे जपिए? आदमी कहता है कि हम नहा नहीं पाते हैं तो क्या करें, नहीं जप पाते हैं, हमको लेट हो जाता है नहाने में, काम बहुत है। तो जब नहाते हैं तभी जपिए। और कौन बोला कि जब आप नहाएंगे तभी जप सकते हैं, बिना नहाए नहीं जप सकते? आदमी को भजन ना करने का बहाना चाहिए, केवल ना करने का उसको एक बहाना दे दो। अगर इस मंच से अभी हम कह दें भैया मंगलवार को राम राम जपना, ये घाटा हो जाता है, एक आदमी नहीं जपेगा। और यहां से हम कह कह के मर ही जाएं कि रोज राम राम जपो, ये पल्ले नहीं पड़ेगा। नहीं करने का बहाना चाहिए, बहाना करेंगे तो इसमें किसी और का घाटा होने वाला नहीं है, अपना ही बिगड़ेगा। ये वो तैयारी है जिसमें और किसी का फायदा नहीं और किसी का घाटा नहीं। आप अच्छे कर्म करेंगे आपका भला, आप गलत कर्म करेंगे तो आप जानिए। आप बहुत भजन करिए या बिल्कुल ना करिए, ये आपके जीवन पर प्रभाव डालेगा, इससे और किसी का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। सबके अपने अपने कर्म का हिसाब किताब है। जब वक्त मिले बिना नहाए, राम नाम के लिए ही बात कर रही हूं मैं आपसे, नहीं नहाए हैं बिस्तर पर, आंख खुलते ही पहला शब्द चाय चाय न चिल्लाइए, राम राम चिल्लाइए। आंख खुलते ही सबसे पहले आपका होना चाहिए मुख से राम निकले। आप कहीं जाते रहिए, आप रास्ते में हैं आप राम राम करिए, आप रसोई में भोजन बना रहे हैं आप राम राम करिए। आप जिस भाव से भोजन बनाया जाता है ना, उस भोजन का प्रभाव बहुत होता है जीवन पर। हमारे यहाँ बड़े बुजुर्ग एक बात कहते हैं, जैसा खाओ अन्न वैसा होता है मन, और जैसा पियो पानी वैसी होती है वाणी।
अन्न का बहुत बड़ा प्रभाव है। ये जितने राक्षस ये क्रूर होते थे, इनका अन्न ही तो अलग था। ये गाय खाएं, भैंसा खाएं, बकरा खाएं, तो इसीलिए राक्षसी स्वभाव है। आज के टाइम पे भी आदमी खाता है, अब वो खुद डिसाइड करे, वो आदमी है कि रावण है, हम काहे को बोलने जाए। हमारा कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना सा है कि श्री राम कथा को केवल इस कान से सुनकर इधर से निकालने की प्रक्रिया राम कथा नहीं है। आपको ये कथा मिल रही है, सौभाग्य से मिल रही है, इनकी कृपा से मिल रही है, तो 9 दिन की कथा में से ना 90 बात सही, कम से कम एक बात को तो अपने जीवन का आधार बना लीजिए। एक बात को कुछ मत करिए, बड़े बड़े मंत्र छोड़ दीजिए, कुछ नहीं हो पा रहा सब हटा दीजिए। एक चीज तो करना सहज है ना भैया, राम राम लेना तो किसी के लिए भी कोई मुश्किल काम नहीं। सोत माला से नहीं हो पा रहा है, कोई बात नहीं, माला भी मत लीजिए, मुख से तो राम नाम कह सकते हैं। मुख में हो राम नाम राम सेवा, हाथ में तू अकेला ना ही प्यारे राम तेरे साथ में। काम करते रहो, नाम जपते रहो, तो वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा। गर लगन सच रघुवर से लग जाएगी, तो तेरे जीवन का नक्शा बदल जा। केवल आपको राम राम कहना है भैया। गोस्वामी जी ने कहा भाई, भाई का मतलब समझते हैं, भाव से प्यार से राम राम कहो। आगे गोस्वामी जी ने लिखा, किसी ने पूछा अगर भाव से जपने का मन ना करे तब, गोस्वामी जी ने कहा कोई बात नहीं, कुभाए बिना मन के राम राम करो। मतलब जैसे मजबूरी में, अब जैसे हमने कह दिया आपको हमारी थोड़ी सी बात की है अहमियत, तो आप कह दो दीदी ने कहा चलो राम राम कर लेते हैं, बिना मन के कुभाए। बोला अच्छा बिना मन के भी करने का ना मन करे फिर। गोस्वामी जी ने कहा घाटे में तब भी नहीं जाओगे, अनख, अनख का मतलब समझते हैं, गुस्से में। मैंने आपसे कहा राम राम जपिए, अब आप में से किसी को अंदर से गुब्बार फूट रहा गुस्से के, राम राम जपिए, राम राम जपिए, क्या राम राम जपिए, क्यों राम राम जपिए। ये जितनी बार आप अपने मन में हमको कोस के राम राम कह रहे हैं, ये भी व्यर्थ नहीं जाएगा। गोस्वामी जी ने कहा इसको भी आपके कर्म की डायरी में जोड़ा जाएगा, चिंता मत करिएगा। आलस हूं, आलस में कई व्यक्तियों का स्वभाव होता है जब जम्हाई लेते हैं तो राम राम निकलता है। ये जो जम्हाई के समय भी आलस में भी राम राम कह रहे हैं, ये भी व्यर्थ जाने वाला नहीं है। जरा सोचो ना भैया, जब कुभाए मतलब बिना मन के जपा हुआ राम नाम फायदा दे रहा है, गुस्से में राम राम जो कहा गया वो जीवन को लाभ दे सकता है, और यहाँ आलस में किए गए राम नाम का जब इतना फल है, तो किसी दिन अगर मन से राम राम निकल गया तो उसका कितना बड़ा फल होगा। पूरी कथा जय श्री राम बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। ये माइक कारण से बंद हुआ है, आपको समझ में भले ना आए, हमको आ गया। माइक कह रहा है ऐसे ही सांस का कनेक्शन कटेगा, बोलते बोलते पट्ट से छुपा जाओगे और आपको पता लगने वाला। और प्रसंग भी वही चल रहा है कि राम नाम जपते रहो जब लग घट में प्राण, कब हो तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी तान। राम नाम जपते रहो काल धरे हैं केश, ना जाने कब मारी है क्या परदेश। मृत्यु कभी नाम पता एड्रेस और दरवाजा खटखटा कर नहीं आती है। आप जिसके दरवाजे पर भी बैठे हो, अगर हमारी आपकी आई है तो ये उस दरवाजे तक आपको लेकर अवश्य चली जाती है, हमें लेकर चली जाती है।